It's coming on 5th Feb, or obviously gossip point of view से लोग बोलते हैं आपकी picture shift हो गई, तो उसके बारे में भी कुछ कहिए, तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ. मैंने मेरी फिल्म को I've taken 2 years, इस पर बहुत मेहनत की है पिक्चर पर, और मैं नहीं चाह रहा था कि क्योंकि मेरी पिक्चर जब तक मैं खुद उसे खुश ना हूँ तब तक रिलीज़ ना करूँ, इसी वजह से मैं इसे 5th Feb तक लेकर गया हूँ. और क्या पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे? हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं क्या है लोगों की, लेकिन मैंने अपनी फिल्म बनाई है इसी उम्मीद से कि जैसे मैंने अपनी पहली घायल बनाई थी, मुझे कहानी पसंद आई जिस पर मैंने काम किया, और फिर उसे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को उसमें रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए हम पूरा उस पर लगा रहा हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में है 2015-2016 में, तो वो चीज़ों को मैं बाहर ला पाऊँ. जैसे वो घायल में भी आई रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी 1990, तो इस वक्त भी मैं 2016 की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. एंड बस यही कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मुझे पता नहीं था लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पसंद की, तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, और तब भी एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था. उम्मीद ये है कि इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा है. जैसे कि एक यूथ बेस्ड फिल्म है, आप इनको देख के लग रही है जैसे कि एक यूथ पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है, तो यूथ के लिए कुछ मैसेज? जब पूरी फिल्म यूथ के ऊपर है तो डेफिनेटली पूरी फिल्म देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ये सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है, जो भी हम लोग करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ द यूथ ऑफ आर्स, और वो यूथ जिसे हम पालते हैं बनाते हैं, तो एट अ सर्टेन एज तक वो उसे हम सब अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है ये है, तो उस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं, और लोग जब बाहर आते हैं दुनिया के अंदर तो पता चलता है कि जो बताया गया उसमें से कुछ बातें सही थी कुछ थी नहीं, और इस तरह से जीना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा, तो वो अपनी ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं जिससे हमारी सोसाइटी बदलती रहती है, एंड वी स्टार्ट इवॉल्विंग एंड वी स्टार्ट चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द यूथ विच इज़ कमिंग आउट एवरी ईयर, राइट? सो डेफिनेटली तो सिनेमा भी वो लोग ही ज़्यादा देखते हैं, सो इट्स बेस्ट टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू देम जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी फिल्म में आई ब्रिंग अक्रॉस थिंग्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स हों, आप खुद हों, आपके बाकी भी रिश्तेदार हों, तो जब वो देखें तो उन्हें उसमें से कोई ना तो कोई कैरेक्टर में से उन्हें अपनापन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम कुछ इस तरह के हैं. देखिए उस वक्त जब मेरी फिल्म थी उस वक्त प्रमोशन के तरीके ये नहीं थे. अक्सर फिल्म हम लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पिक्चर दिखाते थे, उसके बाद फिर वी शुड सिट डाउन एंड टॉक विद द मीडिया. अब पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं उसके पहले ही हम शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में, दिस इज़ नॉर्मल थिंग नाउ, एंड नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है, तो वो सिर्फ उन्हें बताना, लेकिन उनका मैं ये इंटरव्यू देखे उनसे वो मेरे इंटरव्यू से वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, उन्हें जब मुझे ट्रेलर पसंद आया हो या उन्हें लगता है कि सनी देओल की जो फिल्में हैं ये शायद कुछ अच्छा लाएगा तो हम देखने जाएं, तो कोई उनकी अपनी एक वजह बनती है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नथिंग एज अ फेवरेट, बिकॉज पूरी फिल्म मेरी एक 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 सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जो सोसाइटी को लेकर रहा, तो ऐसा कुछ एक नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली सब कैरेक्टर्स बहुत ही आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं, आप उन्हें पहचान पाएंगे, आप खुद को उसके अंदर पाएंगे किसी ना तो किसी कैरेक्टर में. ओके फोटोज हो गए.
थैंक यू सो मच।